योहान वुल्फगांग फान गेटे जर्मनी के लेखक, दार्शनिक और विचारक थे। गेटे जर्मनी के महानतम साहित्यिक हस्तियों में से एक माने जाते हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। इस दुनिया में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि हम कहां खड़े हैं, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, यह है एकांत में प्रतिभा का विकास होता है, जीवन की धारा में चरित्र का विकास होता है। छोटे छोटे सपने ना देखें, क्योंकि उनमें पुरुषों के दिलों को हिलाने की शक्ति नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह थोड़ा सा संगीत सुने, एक छोटी सी कविता पढ़े और अपने जीवन के हर दिन एक अच्छी तस्वीर देखे, ताकि सांसारिक चिंताएं उस सुंदरता की भावना को मिटा न दे जो ईश्वर ने मानव आत्मा में स्थापित की है। वह सबसे खुश है, चाहे वह राजा हो या किसान, जो अपने घर में शांति पाता है। सोचना आसान होता है, कर्म करना कठिन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे कठिन कार्य अपनी सोच के अनुसार काम करना होता है। जो कुछ आप कर सकते हैं या कर जाने की इच्छा रखते हैं, उसे करना आरंभ कर दीजिए। निर्भीकता के अंदर मेधा, शक्ति और जादू होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति वह प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर समझदार व्यक्तियों द्वारा हजार साल पहले दे दिया गया होता है। मनुष्य का जन्म ब्रह्मांड की समस्या को हल करने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए हुआ है कि उसे क्या करना है, और अपनी समझ की सीमा के भीतर खुद को संयमित करने के लिए। यह सत्य है कि जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, वह अपने लिए कुछ नहीं करता। केवल दो अस्थाई वसीयतें हैं जिन्हें हम अपने बच्चों को देने की उम्मीद कर सकते हैं। इनमें से एक है जड़े और दूसरी पंख। बहुत से लोग अपने पैसों की तब तक परवाह नहीं करते जब तक कि वे लगभग समाप्त नहीं हो जाते, और अन्य लोग अपने समय के साथ ऐसा ही करते हैं। सभी बुद्धिमान विचार पहले ही सोचे जा चुके हैं, जरूरत सिर्फ उन्हें फिर से सोचने की कोशिश करने की है। साहित्य का पतन किसी राष्ट्र के पतन का घोतक है। हम जिस काम को करना पसंद करते हैं उसे करना नहीं है, बल्कि हमें जो करना है उसे पसंद करना जीवन को धन्य बनाता है। महान विचार और शुद्ध हृदय, यही हमें भगवान से मांगना चाहिए। यदि आप मुझे अपनी राय बताना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि आप किस पर विश्वास करते हैं। मुझे अपने आप में बहुत सारे संदेह हैं। वह जो अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचता, वह जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा सम्मानित होता है। जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें नहीं जानते, हमें उनके पास जाकर पता लगाना चाहिए कि वो कैसे हैं। सामान्य से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित मिशन होता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। जीवन में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महान लक्ष्य और उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पैसा खो गया, कुछ खो गया, सम्मान खोया, बहुत कुछ खोया, हिम्मत हार गई, सब कुछ खो दिया। एक उचित व्यक्ति को सुख पाने के लिए केवल संयम का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। ताजा गतिविधि ही विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने का एकमात्र साधन है। मैं ईमानदार होने का वादा कर सकता हूं, लेकिन मैं